हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है और कराने जा रहे हैं या बुक किया है तो उनसे पूछिए, भाई कौन सा टेस्ट कर रहे हो, कौन सा जीन को टेस्ट कर रहे हो। ये एंटीजन टेस्ट नहीं है, ये जीन टेस्ट है। तो सबसे पहले पूछिए, वो ई जीन करेंगे और फिर पूछिए ई जीन नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। कई बारी क्या होगा, वो ई जीन टेस्ट करेंगे और अगर ई जीन नेगेटिव है तो आगे करेंगे ही नहीं, या ई जीन नेगेटिव को इंटरप्रेट कर देंगे कि कोविड नहीं है। द आंसर इज बिग नो। ई जीन टारगेट फेलियर का मतलब है कि वायरस के म्यूटेशंस ने हमारे ई जीन को भी धोखा दे दिया है, यानी कि वो ई जीन नेगेटिव आएगा लेकिन बाकी जीन्स पॉजिटिव आएंगे। इसे बोलते हैं ई जीन टारगेट फेलियर। भारत में ऐसे करीबन 30,000 केसेस एंटिसिपेटेड पकड़े गए हैं जिनको ई जीन टारगेट फेलियर है। ई जीन अगर पॉजिटिव आया तो लोग आरडीआरपी देखेंगे या ORF1A, ORF1B देखेंगे या एन जीन देखेंगे या एस जीन देखेंगे। ज्यादातर लोग एक ही जीन चेक कर रहे हैं अब, या आरडीआरपी या ORF1A या एस या एन। पहले मल्टीपल जीन टेस्ट करते थे। अगर आपका एस जीन नेगेटिव है और ई जीन पॉजिटिव है और आरडीआरपी पॉजिटिव है तो ये पक्का यूके एडिशन है। ये वो वायरस है जो यूके में फैल रहा है, इसे एस जीन टारगेट फेलियर बोलते हैं। और अगर आप मल्टीपल जीन्स नहीं कराएंगे टेस्ट तो कल हो सकता है कोई म्यूटेशन आरडीआरपी टारगेट फेलियर कर दे, कोई एन जीन टारगेट फेलियर कर दे, कोई ORF1A ORF1B टारगेट फेलियर कर दे। तो हमेशा पूछिए अपने डॉक्टर से कि आपने कौन से जीन्स टेस्ट किए हैं और फिर हर जीन का सीटी वैल्यू पूछिए। अब आपका सरकार ने, अभी ICMR ने बोला है कि सीटी वैल्यू उन्होंने 35 कर दिया है, यानी कि वो लोग जो पहले 36 सीटी वैल्यू वाले पॉजिटिव होते थे अब उनको नेगेटिव डिक्लेयर्ड करेंगे। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग जो रिकवर कर गए हैं उसके अंदर में RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आएगा, बट एक्चुअल में उनको कोविड हुआ रहा होगा। तो दो चीजें पूछिए कि मेरा ई जीन आपने टेस्ट किया कि नहीं किया, और ई जीन अगर नेगेटिव है मान लीजिए तो क्या उन्होंने दूसरा जीन टेस्ट किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं है उन्होंने सिर्फ ई जीन की बेसिस पे बोल दिया हो कि आप नेगेटिव हैं और उन्होंने ई जीन टारगेट फेलियर को मिस कर दिया हो। अगर आपको ऐसा लगता है री इंफेक्शन है मान लीजिए, तो फिर डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप उनके साथ में एस जीन वाला टेस्ट भी कराएं। और अगर आपका एस जीन नेगेटिव है और ई जीन पॉजिटिव है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ये वो वायरस है जो यूके से फैल रहा है, जो यूके में पकड़ा गया था। नमस्कार।